सर मेरा सवाल ये है सर के बेसिक तो मैं यूनिवर्सिटी में सीख लूँगा सर, लेकिन यहाँ पे तो सारे एक्सपर्ट्स हैं सर, तो मैं दरमियान का प्रोग्रामिंग कहाँ से सीखूँगा कि मैं प्रोग्रामर बन जाऊँ? सर वैसे ही दो चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, एक कबर से और एक फ्यूचर से। बाहर मुल्कों में जो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये दो चीजें एक ही हैं, कवर और फीचर एक ही है। अब फार फ्यूचर में जाए आप तो फिर बात तो सर की ठीक है। yes. अच्छा बाहर मुल्कों में लाइक क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे यूथ में मोस्टली ये हम इंटरव्यूज भी करते हैं, वैसे भी ऑब्जर्वेशन होती है जनरल, ठीक है, ये बड़ा कॉमन मसला है फ्यूचर का, हमें बहुत डर होता है। उसकी वजह यह है कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, ठीक है, ये किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बाहर मुल्कों में आप देखें तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं करियर डेवलपमेंट, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके लिए अलग एक टीचर होता है पूरा आपको। सर ऐसे ही है आप जी कामिल भाई, आप तो बाहर से एजुकेशन लेके आए हैं, मैं भी बाहर गया हूँ, ठीक है, करियर डेवलपमेंट होती है और हर बंदा अपने करियर के बारे में खुद सोचता है कि मैंने करियर है क्या। हमारे अगर मैं आपको यहाँ पूछूँ ना 10 बंदों को, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर फ्लोर पर भी अगर बंदों से पूछूँ जाके, मैंने कहूँ यार कैरियर क्या चीज़ है, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, ठीक है, तो कैरियर डेवलपमेंट की तरफ आप जाएं। पहले तो देखें इंटरनेट पे सर्व करें दोस्तों, अब आपसे टीचर्स से पूछें कि सर कैरियर डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ठीक है, उसमें आप अपना पाथ सेट करते हैं, आप देखते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैंने स्टार्ट लेना है .NET से, उसके बाद मैंने ये करना है, फिर मैंने बैठे हुए आप रूबी की जो रूबी अनरेल्स है उसकी जॉब सर्च करके इंटरनेट पर ऑनलाइन फॉर्म्स मौजूद हैं वहाँ अप्लाई करें और जॉब हासिल करें, ठीक है, उधर इंटर्नशिप करें, जॉब करें, स्टेप बाय स्टेप आप आगे आगे ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ये मैं आपको कैरियर पाथ बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, एक yes. बाकी आप जो मर्जी फॉलो करें, मैंने ये फॉलो काफ़ी हद तक किया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जॉब में थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, फिर आप अपनी अपने अंदर वैल्यू ऐड करें, ठीक है, वैल्यू कैसे ऐड होती है, सर्टिफिकेशन से, ठीक है, आप सर्टिफिकेशन करें, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होती है, इसकी सी शार्प की और क्लाउड की होती है, एमसी की होती है, ये सर्टिफिकेशंस हैं और सॉल्यूशंस, ये बड़ी बड़ी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये आपको सर्टिफिकेशन अलाउ करती हैं कि आप करें उनका, तो आप अगर दूसरे साहब में देखें तो उनके लिए इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है कि हम सर्टिफिकेशंस करेंगे तो वो ग्रो करते जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए भी अच्छा है। मैंने खुद एक सर्टिफिकेशन की हुई है, मैं MCP भी हूँ, उसको नाम का टाइटल भी आपका चेंज हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, ठीक है, तो सर्टिफिकेशंस करें, अगर जावा में है तो जावा की करें, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ओरेकल की करें, ओरेकल की, और इस तरह SQL की होंगी, MySQL की होंगी, वो सारी सर्टिफिकेशंस करें, ठीक हो गया, तो वो वैल्यू आप ऐड करें, साथ साथ मज़ीद आगे आप अप्लाई करते रहें, इधर तक जब आप पहुंच जाते हैं ना फिर फ्यूचर साफ होना शुरू हो गया। अब मुझे अपना फ्यूचर साफ नज़र आता है 5 साल बाद, उस टाइम नहीं आता था जिधर आप अभी बैठे, ये थोड़ा सा इस तरह आप प्लान करें चीज़ों को, बस ये मैं कह रहा हूँ, गलत भी होगी, एक बार एंटर हो जाए वहाँ से आप उसको देन मेक द राइट डिसीजन, इंटरव्यू सर जैसा।